नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिकेश और स्वागत करता हूं भाला टेक्निकल चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई केवाईसी करने का लास्ट डेट क्या है, और लास्ट डेट से पहले आप इस ई केवाईसी को कैसे कर सकते हैं, और पर केवाईसी पर कितना कमीशन मिलने वाला है सीएससी और बीएलई को, तो सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पर केवाईसी पर कितना कमीशन मिलने वाला है सीएससी और बीएलई के लोगों के लिए। जो सीएससी हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं, उनको कितना पर केवाईसी मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पेज पे आते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करा लेता हूँ सीएससी उत्तर प्रदेश। तो जैसे ही सीएससी उत्तर प्रदेश सर्च कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर। मैं नीचे जैसे ही स्क्रोल करूँगा तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रोल कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीओ सीएससी ई गवर्नमेंस की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, ऑल फार्मर टू गेट देयर ई केवाईसी डन टू रिसीव देयर मानधन अमाउंट आफ्टर, यानी कि जो भी केवाईसी जो भी रजिस्टर किसान है उनको ई केवाईसी करना होगा तभी उनका जो मानधन अमाउंट है उनके खाते में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे नीचे दिया है आल बीएलई कैन हेल्प फार्मर, जो सभी बीएलई सीएससी है वो फार्मर की मदद करेंगे और उससे 15 रुपया पर केवाईसी पर वो कमीशन पा जाएंगे। इस तरह जो भी बीएलई हैं एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं केवाईसी करके। तो ई केवाईसी करने का लास्ट डेट क्या है ये जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सीएससी हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ये जो सीएससी हरियाणा का ट्विटर हैंडल पेज है और यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो फिर जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी हरियाणा की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जो 9 दिसंबर को ये पोस्ट किया गया है। और यहाँ पे नीचे लिखा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन इट इज मैंडेटरी फॉर द फार्मर टू डू द केवाईसी फॉर पीएम किसान सम्मान निधि बिफोर 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 से पहले सभी किसान यानी सभी फार्मर को ई केवाईसी करना मैंडेटरी होगा, तभी उनका जो किस्त होगा उनके खाते में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी जब तक वो 31 मार्च से पहले इस केवाईसी को नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक जो उनका खाते में जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो उनको 31 मार्च से पहले इस ई केवाईसी को कंप्लीट करना होगा तभी उस खाते में उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह 31 दिसंबर से पहले आप इस केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।